अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ होंडा सिविक 1.8 यूजी पैकेज का जो है रिव्यू करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वाइट गाड़ी मेरे सामने खड़ी है और इसके थोड़े हल्के बोल के जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसके माइलेज के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके प्राइस के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी हेडलाइट्स, ये तकरीबन 18 मॉडल में इसकी हेडलाइट्स शेप जो है चेंज हुई है। और आप देखिए, पहले इसमें गोल जो है शेप का वो हैलोजन बल्ब आता था और एक HID लाइट आता था, लेकिन अब जो अगर आप देखें तो टोटल अगर आप एक लाइनिंग के साथ HIDs दी गई हैं। और जैसा कि वेजल 2018 में इसकी शेप को चेंज किया गया, इस तरह इस सिविक की शेप में भी जो है चेंजेस लाई गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अगर आप रात के टाइम इसको लगाते हैं। और पुरानी शेप की तरह अगर आप किसी फ्रंट के बम्पर में देखेंगे तो आपको लाइट मिलेगी, एक फ्रंट कैमरा मिलेगा। इस गाड़ी में फ्रंट एंड रियर कैमरा आपको मिल सकता है, मतलब स्क्रीन में आप इसकी आगे और पीछे बिल्कुल कैमरे के थ्रू आप देख सकते हैं। लुक की बात अगर करें तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई गई है पाकिस्तान में और एक हॉट आइटम है। इसकी रीसेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग पसंद करते हैं इसको, ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो हाथों हाथ बिक सकती है। अच्छा जी, रिम अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से ये वाला रिम इस मॉडल में दिया गया है, इसके पुराने मॉडल्स में ये वाला रिम नहीं है। और अगर आप देखें तो एक सनरूफ गाड़ी है, सनरूफ भी दिया गया है, लोग पाकिस्तान में ज़्यादा सनरूफ को पसंद करते हैं, तो एक सनरूफ भी इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल सनरूफ भी इस गाड़ी में है। अगर रियर की बात करें तो रियर में सच कोई डिफरेंस नहीं है, रियर उसी पुरानी शेप की तरह दिया गया है। और अगर मैं इसकी इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, इसमें UG मॉडल में आपको इंटीरियर में सीटिंग में आपको लेदर सीट मिलेगी, बिल्कुल आपको लेदर में मिलेंगे। अगर आप देखें ये डिज़ाइन, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें। ये पुस्टार्ट गाड़ी होती है, इस साइड पे अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक बटन, जो आगे के दो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, मतलब एक बार तब प्रेस करने से ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बार बार इसको होल्ड नहीं रखना पड़ता। अगर पीछे देखें तो आप इसको होल्ड रखेंगे ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पर शीशे जो है मिरर्स को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है, लॉक एंड लॉक के बटन्स। यहाँ पर साइड मिरर्स एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा जी, इस इंजन पोस्टार्ट बटन आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब ये इस साइड पे है, उस साइड पे नहीं है। अगर स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया मिलेगा और क्रूज़ कंट्रोल है इसमें कंपनी की तरफ से बिल्ट इन। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप इसके डैशबोर्ड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर में, असल में यहाँ पर सन रिफ्लेक्शन की वजह से आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सही तरीके से नजर आए, सिल्वर लाइनिंग दी गई है। बाकी इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इस साइड पे गियर के साथ देखें तो ये ब्रेक होल्ड का बटन दिया गया है, मतलब अगर आपको रश में अगर थोड़ा सा रोकना चाहें तो बार बार हैंड ब्रेक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको प्रेस रखें तो गाड़ी आपकी बिल्कुल रुक सकती है, अगर आप डी में भी हों तो ये गाड़ी को रोके रखेगी। अच्छा जी, इसके एक्सटीरियर के बारे में तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूँगा। इसके माइलेज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 1800 cc इंजन है, इसमें टर्बो भी आता है। टर्बो में पीछे जो जो टेल लाइट्स हैं उसके बीच में कुछ डिज़ाइन सा होता है, तो उससे भी आपको पता चल सकता है। ये आपको ये ड्राइव मोड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन 12 से लेकर 15-16 तक आपको किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज दे सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, क्योंकि जेपनीज़ गाड़ी में अमूमन ज़्यादातर गाड़ी में तकरीबन आलमोस्ट आल टोटल गाड़ी में यदि जेपनीज आती है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ रहा है, तो ये आपको पाकिस्तानी इस सिविक में भी मिलेगा ये बटन। इसके अलावा स्क्रीन आप देखें तो ये बटन आता है इसमें, तो बिल्कुल सेम लाइनिंग के साथ, कोई मतलब इसमें एजेस नहीं है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे ख्याल से गाड़ी सीट को एडजस्ट कर लूँ थोड़ा। अच्छा जी, बटन गाड़ी में नहीं है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि गाड़ी को ऑन करूँ। अच्छा, पीछे एक्सटीरियर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि लेग स्पेस कितना है एक्सटीरियर में। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इसकी मोनोग्राम का जो है कवर साइड पे लगा हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है जब आप बैठते हो। ये डिज़ाइन आगे पीछे की जानब दिया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जेपनीज गाड़ी में ज़्यादातर मिसिंग होता है, आपको रेयर में भी यहाँ पे ब्लो मतलब एसी ब्लॉक के लिए यहाँ पे सेटिंग दी गई है। यहाँ पे यहाँ से भी आप एसी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर पीछे जो बंदों को गर्मी लग रही होती है तो यहाँ से भी आप लोग एसी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी एसी अवेलेबल है, यहाँ पे एक पॉइंट इसका।
अच्छा जी, यहाँ पे हैंडल्स अगर आप देखें तो सारे साइडों पे दिए गए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं इसके पीछे के डिगी के स्पेस के बारे में बात करूँ तो एक काफ़ी कुशादा स्पेस है, बिल्कुल आप इसमें काफ़ी हद तक सामान रख सकते हैं आप देखें। तो अंदर की जाने बिल्कुल एक प्रियस गाड़ी की तरह ये अगर आप देखें तो बिल्कुल सामान की जगह मुनासिब सी जगह, बल्कि ज़्यादा जगह दी गई है। अगर यहाँ पे इसकी हैंडल्स देखें, ये साइड मिरर्स देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल वेजर की तरह बिल्कुल अंदर की जानेब लाइट के लिए जगह दी गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो एक शॉर्ट सी रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों को ये तकरीबन 43.5 लाख तक मिल सकती है यहाँ पे ट्रू कार के नाम से। मैं आप लोगों को इसका स्टिकर दिखा दूँ, ट्रू कार के नाम से हमारे भाई यहाँ पे शोरूम चलाते हैं। तो इंशाल्लाह इस किस्म की और वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।